वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग जो बनने वाला है, जो आप लोग देखेंगे जो ब्लॉग वीडियो में, वो एग्रीकल्चर यानी खेती से होगा। तो दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं सिसवा में। तो दोस्तों, अभी हम सिसवा के बहुत ही फेमस एग्रीकल्चर वाले प्लांट पे आ चुके हैं। वही मेरी बैक साइड में देख रहे हैं कितने सारे, मतलब कई डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर खेती किए गए हैं। तो दोस्तों, अब चलिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं पॉलिथीन पे लगाया गया है, वो किस टाइप्स की क्या चीज़ें इसमें मतलब खेती किए गए हैं, वो आपको बताते हैं। तो अभी आप जो देख रहे हैं, पॉलिथीन को क्रॉस करके जगह बनाया गया है ये होल। इसमें तरबूज का बीज सभी डाला गया है, दो बीज या फिर तीन बीज या चार बीज हो सकता है। इन सभी घोहों में, यानी जो होल बनाया गया है पॉलिथीन का, इसमें सभी तरबूज के बीज पड़े हुए हैं। उसके बाद से इसमें खाद डाला गया है, और उसके बाद इस पॉलिथीन के बीच में भी एक पतला सा नलकी यानी पाइप को लगाया गया है, जिसके थ्रू इसके अंदर अंदर पूरा पानी जाएगा और इसको सींचेगा, ताकि इनको और ज़्यादा अच्छे से, ये पौधे जो है तरबूज के, वो अच्छे से ग्रो होके। और देख सकते हैं यहाँ पर कितना बड़ा प्लांट में तरबूज का खेती किया गया है। आई होप आपको देख करके अच्छा लग रहा होगा। आगे चलते हैं और आगे क्या देखने को मिलता है वो आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं पाइप के थ्रू पॉलिथीन को होल्ड किया जा रहा है, तरबूज के बीज इसी में लगेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये तरबूज का खेती? इसका सेकंड पार्ट जब तरबूज यहाँ पर हो जाएगा, तब मैं आपको लेकर आऊँगा, दिखाऊँगा कि तरबूज यहाँ पर कैसा हुआ है इस खेती में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और हाँ, चैनल को फॉलो और लाइक कर दीजिएगा यार।